नमस्कार, मैं संतोष वर्कर्स यूनिटी से। आज भारत बंद है, किसान मुक्त चर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। अक्सर कहा जाता है कि आंदोलन आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीलियां लाता है। हम लगातार सिंह बॉर्डर पे देख रहे हैं कि अलग अलग तबके के लोग अलग अलग शहरों से अलग अलग कस्बों से उठ के आंदोलन में आ रहे हैं। महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस आंदोलन को लगातार वो लाइविक रहे। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस आंदोलन में लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो अमृतसर ज़िले से आई हैं। उनकी आने की कहानी, उनके आंदोलन भाग लेने की कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है। हमारे साथ रंजना भी हैं। रंजना ने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी, पंजाब के खेतिहर संकट, और वहाँ पर जो सुसाइड्स हुए थे उनकी विधवाओं के साथ क्या हुआ, और पूरे एक ग्रीन मॉडल और हमारे लेफ्ट मूवमेंट में नारीवादी आंदोलन की समझ और उसका कास्ट के साथ खेतिहर मजदूरों के क्या रिश्ते हैं, उसे बहुत विस्तृत से 8 साल पहले एक किताब आई थी, उसका पंजाबी ट्रांसलेशन भी हमारे साथ है। तो रंजना, आपका स्वागत है बहुत। आप आई हैं इन लोग से मिलने के लिए। हाँ। 8 साल पहले एक किताब लिखी आपने, उस दौरान जो बातें हो रही थी और आज जब आंदोलन में आई हैं तो कितना तब्दीली महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा ही। मैं महिलाओं से बात कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सब लोगों में बहुत ही गुस्सा है और बेचैनी है। इसका लक्ष्मीबाई है और ये जोगिंदर कौर है, इनके ये यहाँ सबको ऑर्गेनाइज करके 4 महीने से यहाँ है। और आमंत्रित कौर तो अपने आप ही जुलूस देख कर सड़क से आए हैं, वो अपने बात रखने वाले हैं। इनका कहना है कि जब तक बाढ़ नहीं लगी रोष नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा मोदी का, जब बाढ़ लागे तो मोदी के 3 कानूनों की वजह से आज महिलाएं सड़क पर। अगर कोई पहले हमारे थप्पड़ मारेगा फिर हम मारेंगे, पहले नहीं तो नहीं मारेंगे। तो अमरप्रीत जी, आप अपनी कहानी बनाइए, आप कैसे आ गए यहाँ? दरबार से तुतले आते हैं, ये आटो अग्गी जानते हैं। मैं ना पूछ ली मैं कितने चले थे, एक ही नहीं दिल्ली चले, मैं छत्ती छत्ती दब दब बह गई आटो। अच्छा, मतलब आप सड़क से चाहन ने बोला कि हम दिल्ली जा रहे हैं और आप उठ के चली आई आटो से बह गई। तो ये 4 महीने पहले ऐसा सोच सकती थी कि कभी हम ऐसा बात होगा हम दिल्ली उठ के आ जाएंगे? मानचे है ऐसे दिल्ली आवांगे। अच्छा, प्रभु ने महाराज ने अपन बुटा लिया। आप बताइए अपने बारे में और कब से? 4 महीने से बैठे हैं। हाँ, मैं 4 महीने से आ रही हूँ, पहले शुरू से आ रही हूँ मैं। अच्छा, ऐसे ही कभी आ जाते हैं कभी चली जाते हैं घर में। हाँ। 10-10, 15-15 दिन रहते हैं अंदर। हाँ। और जो भी जाने हैं जब जाते हैं किसी ने इकट्ठे करके लेके आते हैं। हाँ, हर एक को बोलते हैं चलो दिल्ली चलिए, चलो दिल्ली चलिए। अच्छा, तो आप वहाँ पे लोग को और जुटा भी रही हो लेके? लेके भी आ रहे हैं। बस यही के अपने सब नू बोली, यही बोली दा है कि सब वास्ते ही एक कानून है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। एक मेरे के मेरे लिए नहीं है। हाँ। कई बोलते हैं हमारे जाएं के कौन मोदी मान जाएगा। अच्छा, हम बोलते सबके लिए, सबके लिए जाना ही पड़ेगा। सबके लिए कैसे आप बता पाएंगे कि हाँ, सबके लिए है? सबके लिए, जो किसान नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेगा। हाँ जी, हर एक लिए महंगाई तो हर एक वास्ते होगी ना। हाँ। मजदूर वास्ते भी, मजदूर वास्ते भी है। हाँ, किसान वास्ते भी, सब वास्ते ही। हाँ, जो भी है, जो गरीब है अमीर है। जे हुण आटा सी अहीं कणक वेचांगे 5 रुपये किलो। हाँ। ते आटा अगे मिलेगा 100-100 रुपये किलो। अच्छा। हाँ। तो इसलिए मजदूरों को भी आना चाहिए। हाँ, सब नु आना चाहिए। इस बात का प्रचार कर रही हैं। हाँ, सब नु बोलीदा, सबको बोलीदा, ये गल ये सब नु बोलीदा भी जाना पएगा तानू, सब वास्ते ही आ, मेरे को कल्ली वास्ते नहीं गा। अच्छा, कई ऐसे बोलते अभी नहीं है इनकी करना उठे जाके। इस आंदोलन में आप आई हैं जब, हाँ, तो आपको क्या तब्दीली दिख रही है पहले की तुलना में? आप यहाँ पुरुष किसानों के साथ हैं, घरों में अमूमन आप लोग पंजाब में बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकलती हैं, यहाँ खुले छत के नीचे टेंट में रह रही हैं। हाँ। तो ये कैसे बदलाव आया? बदलाव ऐसे ही भी, पता क्या है, पता जे साढ़े बहन भाई सब रह रहे हैं, मर्द रह रहे हैं, तो असं क्यों नहीं ना। हाँ। सब जे असं उन्हों का साथ देवे, मर्द ना मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के तुरंगे तो ही सा सही काम होएगा। हाँ। ठीक है ना, सारे जिस तरह ही सारे घर बह गए तो फिर तो कोई भी इतने नहीं आएगा। बहुत ज्यादा पहले दिन बहुत ज्यादा जनता सी, पिछले मार्च 8 मार्च पहली बार कब आई? जनवरी
जनवरी में ना, दिसंबर दिसंबर पहली बार दिसंबर में, फिर जनवरी से आई, फिर फरवरी से आई। तो अभी घर का काम कैसे चल रहा है? घर बहू है, घर पे बहू है। हाँ, बहू वो है। बहू भी कभी एक बार आप नहीं, वो नहीं आया अभी। अच्छा, आप यहाँ क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करती हैं आप, क्या काम, दिन का रूटीन क्या रहता है? सुबह उठने के बाद क्या क्या करती हैं? रूटीन रहता है, सुबह उठते हैं, उठ के अपने रूम चो नहा धो के फ्रेश हो के असि बाहर निकलते हैं, थोड़ा काम करते हैं, लंगर प्रशादे तैयार कर ले। अच्छा। फिर प्रशादे तैयार करके फिर छक के 12 1 बजे स्टेज पे चल जाते हैं। स्टेज पे चली जाती है? हाँ, चले जाते हैं। अच्छा। फिर स्टेज तो 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, फिर अपने रूम च थोड़ा आन के फ्रेश फ्रुश होंगे, फिर शाम निकल जाते हैं, फिर कितने सेवा करनी, प्रशादे पकाने, फिर पकाने, फिर प्रशादा छक के 9-10 बजे फिर अपने रूम। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा ना, ये 2-3 है। हाँ। तो आप तैयार हैं उसके लिए? 10 साल रुकना पड़े, 10 साल रुकने के लिए तैयार है? हाँ, रुकने को। क्यों ऐसा अंदर से आपको? जब तक जिंदगी है तब तक रहेंगे। अच्छा। तो आप एक बात पहले भी बोल रही थी कि जब क्रोध आता है तब लोग आते हैं, जब बाण लगे तो रोष जागे, ये औरतें नहीं है, ये लक्ष्मी बाई है, माई भागो है। अच्छा। लक्ष्मी आई बाई आई थी ना घोड़े पे चढ़ के, ऐसे ही हम लोग भी आए। ये हम बार बार सुनते हैं, भाई भागो की संतान है हम लोग तो। हाँ, उनकी संतान है, क्यों डरेंगे? कभी गला कट जाए तब भी डरने वाले नहीं, अभी काट दो। क्या मरना तो एक दिन है ही। अच्छा। तो अच्छा करके क्यों ना मरे? अच्छा, जो दुनिया में नाम रहे वही काम करना चाहिए, जाना तो सपनी है। किरण जी, आप एक चीज बताए जो हमें बता रहे थे कि चाहे किसान हो या मजदूर हो, भूमिहीन हो, ये 3 कानून किस तरह सबको असर करने वाला है? अमीर है ना, आज आप सोचते हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो भूखे नहीं, में हमको किस लिए जाना है? वो पैसा कितने दिन चलेगा? जमीन है तो वो तो जिंदगी सदा ही चलती, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे बच्चे मर जाएंगे, तो उनके बच्चे। हाँ। और जो कारोबार होता तो उतने दिन ही रहेगा। हाँ। अगर मोदी ने एक सीन लिया तो कारोबार कैसे, मॉल बंद हो जाएंगे सब। हाँ। सब एक ही जगह पर, जो हमें एक टी शर्ट 100 रुपए की मिलती है तो 10,000 की मिलेगी, क्या करेंगे, कैसे पहनेंगे? महंगाई के बारे में भी आप बता रहे हैं। महंगाई तो है। हाँ। महंगाई इतनी है तो क्या क्या गरीब क्या खाएगा, कोई अपना इलाज नहीं कर सकता। हाँ। तो यहाँ हाँ, सिख कम ऐसे है ना, कोरोना हुआ हमारे बच्चे फॉरन में है सबके। हाँ। सब बच्चों ने भी मदद की है। हाँ। कि मेरा पड़ोसी भूखा मरा। हाँ। उनके घर में राशन चाहिए, हम थोड़ा खा लेंगे। अच्छा। यही कौम इधर भी है, का असर भी दिख रहा है ना, लंगर लगे हैं, यहाँ सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब काम सामूहिक रूप में ही हो रहा है। हाँ। तो शायद एक परंपरा है जहाँ पंजाब में, परंपरा तो गुरु नानक ने चलाई है ना। अच्छा। हम कौन चलाने वाले, किसी ने इधर सवाल किया था। हाँ हाँ। ये लंगर कितने के दिन चलेगा, 10 साल कैसे चलेगा? हाँ। बोलते 500 साल हो गया चलते को। अच्छा, क्या बात। तो आगे तो हम नहीं जानते कितने साल चलेगा, 10,000 साल चले, 100,000 साल चले, ये कभी खत्म नहीं होगा। रंजना, रुपए का दान किया बाबे नानक। अच्छा। हाँ। उसी का सच्चा सौदा हम सच्चा सौदा खा रहे हैं, सच्चा सौदा खा, जो 500 साल से लगातार चल रहा है, चलता है, आगे भी चलता ही रहेगा जब तक दुनिया रहे। रंजना, जब हम तुम्हारी किताब पढ़ रहे थे तो उसमें एक लेवल, एक जो पूरे कैग्रीन क्राइसिस से उपजा हुआ निराशा था, उसमें आत्महत्याएं हो रही थी, उसमें जो अलग अलग भारतीय समाज की रूढ़िवादिता है, पैट्रियार्की है, उसका भी दिख रहा था असर। लेकिन आज जब 7-8 सालों बाद बॉर्डर पे ऐसे महिलाओं को देखती हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्रेरणा भी मिल रही है, क्योंकि इस तरह का सामने उस टाइम 8-10 साल पहले भी इतना नहीं हो रहा था, मगर अभी आप अभी बहनों के साथ बात कर, हाँ अभी अभी नहीं, सुइसाइड फैमिलीज के बारे में हम कह रहे हैं। हाँ। अभी जब बात कर रहे थे तो इस इंटरव्यू से पहले भी वो कह रहे हैं कि वैसे भी खेती का काम ना करते हुए भी सुबह से रात तक किस तरह से ये लोग। हाँ। मेहनत करते हैं। हाँ। ना आप बता रहे थे मवेशी का काम, गाय का, ये सब करते हैं ना सुबह से, तो जिंदगी हर महिला की बहुत ही मेहनत की है। हाँ। और वो सब छोड़ के अगर यहाँ आए हैं तो एक कारण किस लिए आए हैं? हमारे कौन छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, हमारे पोते पोतियाँ 4-4, 3-3 साल, वो भी बोलते दादी हम भी सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे लेके चलो, बोले स्थिति इतना खराब नहीं होता तो यहाँ तक हम नहीं आते, यही बोल रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं आंदोलन की और किसान आंदोलन की और किसान की, तो बहुत पुरुष प्रधान या पुरुष किसान की छवि उभरती है। हमने अपनी किताबों में भी लिखा है कि जैसा आप बात भी कर रही हो कि मेहनतकश तो महिलाएं भी हैं, किसानी में काम में उनका भी बराबर हिस्सा है, तो ये कैसे इमेज और ये कैसे डिस्कोर्स बना कि किसान बस लगभग पुरुष किसान जैसी छवि बन गई? मुझे लगता है महिलाओं का जो काम है, महिलाओं का जो श्रम है, उसको बहुत ही अदृश्य किया जाता है,
और उसको उनके काम को बल्कि श्रम की मान्यता नहीं दिया जाता है, चाहे वो कवि हो या लीडर हो या जो भी हो। और ये बात नहीं है, हम लोग खुद भी अपने काम को मानते नहीं है। यहाँ शुरू में सब लोग कह रहे कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर जब बोलने लगे तो सुबह 4:30 बजे उठ के रात को सोते हैं। खाना बना लिया, रोटी खा ली, भाई ये काम है, ये तो कोई काम नहीं। तो हमारा जो जो पीड़ित है वो हमारा अपना भी छवि यही है कि हम नहीं कर रहे हैं। पीड़ित किस लिए है? नशे लगा रखे तो लीडर है ना मोदी, पैसा तो मोदी के खजाने में जा रहा। अबानी भी बोल रही हूँ, जब लोग हम अपने काम को मान्यता देंगे ना, फिर समाज हमको वो देगा, और उसके लिए लड़ना चाहिए ना। लड़ेंगे, हमारा दिन काम करना, कोई संडे नहीं छुट्टी नहीं। 4 बजे उठ के उठना वा, रात के 10-11 बजने आ, और तब सारा दिन काम करना है, काम नहीं करती है, सारा दिन काम करना है, सारा दिन काम। आप अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम रविंद्र कौर है। अच्छा, सवेरे 4 बजे अलार्म नाल उठ जाना। अच्छा, रात नु 11 बजे बिस्तर चो जाना, सारा दिन चलना। हाँ, कुछ भी करो वो काम ही है। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत बार पंजाब घूम रहा था, तो कुछ कुछ जो घर जो मजदूर हैं उन तो जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ पुरुष बहुत शान से बताते कि हमारे घर की महिलाएं काम नहीं करती थी, तो मुझे खराब लगता था, क्योंकि आप तो बता रही कि शाम सुबह 4 बजे से काम करना शुरू। 4 बजे उठना वहाँ, 4 बजे उठ के जो भी अपनी पूजा पाठ करना वहाँ, उस तो काम स्टार्ट हो ना रात के 11 बजे तक। बच्चों को खाना देना, स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफिन तैयार करना, उन्होंने भेजना ड्यूटी, सारा कुछ काम करना। फिर हमने खेती बाड़ी जो भी करना, जरा छोटे सब्जी लाई है, कोई फल बूटे लाए है वो भी करने। जे घर च कोई भैंस रखी है, गाय है, उनको भी पट्ठा पालना, चोना, सारा कुछ। सारे पिंड दी गावं मझा गावं सारे सांभ दी बीबियां आप ही। जेडे पुरुष है वो तो खेतों में काम करते हैं, जो महिला है घर का काम सारा वही करती है। अच्छा, तो जो ऐसे किसान बोलते हैं कि जैसे किसान बोलने से एक आदमी की छवि आती है, पुरुष की छवि आती है, आपको भी तो लगता है आप भी तो किसान हैं, क्योंकि आप तो काम कर रही हैं खेती बाड़ी से, तो आप भी जुड़ी हैं, तो किसान तो पर महिला का काम गिनिया नहीं जाता। पुरुष कहता मैं ही काम करता, मैं कमा के लेना, मैं घूमना, जे मैं ना हूं तो टब्बर नहीं पालना, मैं सब कुछ मैं ही करता हूं। अच्छा है, पर इना पुरुष कोई नहीं सोचता भी जे लेडीज है वो भी कम करती है, सवेर तो उठ के सारा दिन कम करती है, तो ओदा कम के गिनती च नहीं आता। तो ये तो गलत बात है, खाते च नहीं आना। अच्छा, पे थोड़ी मिलनी है। अच्छा, फिर भी बार तो किया सारा दिन। कई बार गुस्सा आ जाता, बोलेंगे हम तो मरने लगेंगे, बोलेंगे चाय बना के देगा फिर मरना। अच्छा, ऐसे बोल देते। इन सब का भी मानना था कि खेती संकट के वजह से महिलाओं का मेहनत और महिलाओं का कष्ट ज्यादा ही है, और ये कश्मीरी को आप बताइए, अकेले ये अकेले परिवार चला रहे हैं, तो इन्होंने कश्मीर कौर के बारे में मुझे बता रहे थे। अच्छा, मैं पहली बार कश्मीर कौर, पहली बार 23 दिसंबर को आए थे इधर। मैं तो मेरी बेटी 90 साल की माता है बुजुर्ग, उसको किसी के घर में छोड़ के आए। अच्छा, 15 दिन इधर रहे तो फिर चले गए अपने पंजाब। फिर मेरी बेटी आई 3 बार, मैं तो मेरी सासू मां घर थी, ते अब 5वीं बार इधर आए हैं, ते मैं बेटी बोली कि मम्मी अब तुम जाओ। अच्छा, मैं घर में रहूंगी दादी माँ के पास। अच्छा, तो 2 किले पहली है। अच्छा, जो भी मोदी ले जाएगा तो खाएंगे क्या। तो आप किसानी खुद से करती, खेती खुद से करती है? घर किसानी करने वाले नहीं है, डेथ हो गई है। अच्छा, तो कैसे होता बेटे है? की भी डेथ हो गई है। तो कैसे होता है घर किसान? कुछ नहीं, ठेके पे देते हैं तो रोटी खाते हैं बस। अच्छा, तीनों जाने की रोटी पूरी होती है, दूध भी लेते हैं, सारा कुछ मुल का है। 2 किले पहली है बस, इसीलिए आते हैं इधर कि वो भी चली जाएगी तो फिर खाएंगे क्या। बेटा का भी डेथ हुआ? हाँ, 20 साल का था। अच्छा, उसका भी डेथ हो गया। अच्छा, तो कोई नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ यहाँ कैसा लग रहा है और क्यों आई हैं? आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ यही आए हैं? फिर कहाँ से खाएंगे, कौन देगा हमारे को कुछ खाने का? कोई कमाने वाला भी नहीं है। मोदी ने तो बोला था बच्चों को नौकरी मिलेगी, बेटी बड़ी पढ़ी लिखी है, घर में बैठी है, उसको को ना नौकरी है ना कुछ नहीं है, तो उसकी शादी भी करनी है। अच्छा, तो फिर ऐसे लग रहा है यहाँ आके, क्या मतलब
कुछ लग रहा है कि वहाँ से अलग है पंजाब में जब रहते हैं? अलग तो है, इधर देख देख के तो रोन आता है। अच्छा, किसानों को बैठ के देखते हैं ना, बुजुर्ग बुजुर्ग माँ बाप इधर रोल रहे हैं सड़कों पे। अच्छा। मोदी की माँ तो ऐश कर रही है। हाँ। हमारी माँ रो रही है। हाँ। इधर मोदी को कोई तरस नहीं आ रहा कि मेरी भी माँ जे ऐसे बैठेगी तो क्या दिखेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं वो किस मिट्टी का बना है। उनकी आवत नहीं। हाँ। ना उनके ना उसके बच्चे, उसको क्या दुख है किसी का। अच्छा। ना मुंह बंद है उसका, क्या उसकी बहू नहीं है, बेटी नहीं है, ना कोई लेके आया था, ना उसे ना घर में लाया, ना तोड़ी। आप कुछ बोल रही थी कि मतलब आप लगातार आती रही हैं बॉर्डर पे और वहाँ भी काफ़ी महिलाएं आना चाहती हैं, बहुत वजह से नहीं आ पाती हैं, तो आप उनको थोड़ा वहाँ जाके प्रेरित करती हैं कि आप भी बॉर्डर पे चलो? हाँ, बहुत जगह। अच्छा, इन्होंने भी सारियां नु ए बोल ए बोल सी मैं ठीक नहीं। हाँ, मैं बोल तू चल, तू उधर जाके ठीक हो जाना। हाँ, ए भी बोलते हैं मेरा भी नहीं टाइम नहीं है। अच्छा, इसको बोले चल तू सब टाइम है सब कुछ। कैसे आप लोग आई? ट्रेन से अमृतसर से। हाँ, अमृतसर। आप सब आसपास ही रहती हैं? हाँ, एक गली में। एक गली में रहती हैं? हाँ, सारे रहते हैं। अच्छा, तो आप आपकी भी आपकी खेती है? हाँ, खेती है, होती है। हाँ। तो ये आपको मिली तो इनकी वाली कहानी फिर से बताइए कि क्या? ए, ऑटो से बैठे। हाँ। जान दे गोल्डन टेम्पल ते ओंडे ही बोल दी किथे चले। हाँ। अखे दिल्ली। हाँ। अखे आजा जाना बस मतलब इतने बैठ लगी। अखे तू घर दस के आ। अच्छा, घर दस है नाले को कपड़ा लाया ए भज के लागे घर सी। हाँ। पास में ही। हाँ। ते दसन गई भज के जाके फटाफट एक सूट फट के लेके आके आ गई। एदी मम्मी दा बाद च फोन आया इथे जदों आ गए ये घर नहीं दस के आई। इहनू किसे दा नंबर भी नहीं याद। अच्छा, इथे कोई मिलिया दे नानकियां दा। अच्छा, मामे नू फोन कीता, मामे ने इहदी मम्मी नू कीता। हाँ। मम्मी ने मैनू कीता। हाँ। हुण के मेरा नंबर लिया, मैनू कीता पुछिया भी किद्दां आ मन तुहाडे नाल। क्या हां साडे नाल बहुत ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं लैनी। ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਕੁਛ ਕੀ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਆਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਥਾ ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ? नहीं पहला प्लान कोई नहीं, पहला घर नहीं दसिया। अच्छा, घर दस दिया, घर दे आउन थोड़ी देना। आपने घर नहीं बताया? ना, पहला नहीं बताया। ये मजेदार चीज है ये ना, ये बैग च ऑलरेडी चोरी चोरी कपड़े पा के रख ले ही। अच्छा, चोरी चोरी गए और कि दसरा थोड़ी घर। बुजुर्ग माता है ना, वो आउन नहीं देंदे फिर, उनका दिल नहीं लगता है। अच्छा, नौ सास है भाव लड़ गई पर फिर भी हुंदा ना कि घर जावे ना। ये तो ऐसे हुआ कि लोग घर से भागते हैं, वो अंदर सौ गए, माता सौ गए, ये बाहर कहते किथे जाना। मैं चली, कहते रोटी क्या बनाने लगे तवा उपर रखा। हाँ। मैं रोटी बना दा, कहते नहीं हूं ना जी, हूं एक घर रोटी बाद खाने। मैं नहीं, बाद फिर आपे बनानी पैनी जी। अच्छा। कहते की गल हुई? मैं दिल्ली चली। मैं छे छे फुलके बनाए, बना के बैग चुकया तो फटाफटा, तो अज ही जाना, मैं हूं ही जाना, अज नहीं जाना, हूं ही जाना। सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल की उम्र में लड़कियां घर से भागती है। मुझे लगता है कि भागना ही पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोध में और आंदोलन में आने के लिए भी महिलाओं के लिए आसान नहीं है, मगर इस सरकार और इन नीतियों की वजह से जैसे शाहीन बाग में हमने देखा है या हरियाणा और पंजाब में देखा है, ये बहुत ही साधारण महिलाएं हैं, ना किताबें लिखते हैं, ना सेमिनार में बैठते हैं, ना फ्लाइट में इधर उधर जाते हैं, मगर जब दाव लगा तो मुझे लगता है कि सड़क पर आने के लिए तैयार है और बैठने के लिए भी तैयार है। आपको शाहीन बाग के बारे में तो पता होगा ना, शाहीन बाग में महिलाएं किस तरह से आए थे? शाहीन बाग में हमें नहीं पता, हमारे हस्बैंड को। आपको पता है? नहीं, लेकिन तुम पिछली बार भी देखी थी, हम लोग देख रहे थे कि शाहीन बाग के दौरान से ही जो आम महिलाएं हैं जो घूंघट में हिजाब में नकाब में रहती हैं वो निकल के बाहर आई, और हरियाणा पंजाब का भी ऐसा माहौल था तो निकल के आई। और जैसे ये रोमांचक किस्से बता रही है कि हम लोग भाग के आए घर से, और तुम तो मतलब ये अपने आप में एक बड़ी तब्दीली है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ये पहला कदम है, बहुत आगे जाना है महिलाओं को। वैसे भी जाने नहीं देते पुरुषों में, जाने नहीं देते तो फिर क्या क्या नहीं कर सकती महिला, सब कुछ कर सकती है। पर ना पहले जो छोटे ने उदो माँ बाप नहीं कुछ कर देंदा, उदो कहना अगले घर जाओगे उत्थे कर लेना, जे साइकिल चलाउन लगना नहीं चलाउना, अगले घर जाओगे उत्थे चलाना, जे पढ़ना नहीं पढ़ने देना अगे करा लेंगे, नौकरी करनी होवे अगले घर वाले, अगले घर आओ वो कहिंदे काम चाहिदा। अच्छा, तुसीं काम करो, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बाहर नहीं जाना, इंज नहीं करना, उंज नहीं करना, पाबंदियां लग जांदियां। पहले हसबैंड दियां लग जांदियां, मुड़ के बच्चे जवान होंदे, हुण बच्चियां दियां लग जांदियां, औरत की कभी नहीं सुनी जाती।
माई भागो के चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, खाओ जहाँ से मर्जी खाओ, हम जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये जो माई भागो ने कहा था। हाँ, अच्छा ये बात रंजना, तुम अगर ये किताब 10 साल पहले वाली जो किताब आज लिखती तो उसमें क्या एक महत्वपूर्ण तब्दीली या उसमें ऐसा चीज जो अब लग रहा है कि अब दिखने लगा है जो पहले नहीं दिखा? मुझे लगता है महिलाओं की भागीदारी तो ज़रूर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, और हमारे किसान संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब ये सिर्फ महिला दिवस है इसीलिए नहीं आए, मगर 3 महीने से चल रहा था, 2 महीने से चल रहा था, और जब महिला दिवस आया तो जिस भारी संख्या में महिलाएं हरियाणा से आए, पंजाब से आए, पंजाब की महिलाएं हरियाणा को, हरियाणा की महिलाओं को भी प्रेरित किया, और हरियाणा की महिलाएं भी पंजाब महिलाओं को देखकर बहुत ही ये हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी एकता आई है जो हमें पूरी उम्मीद है और आशा भी है कि ये रहेगा। अगर हम इधर नहीं आते तो हम अपने रोड पर अमृतसर में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ बैठी भी हैं बहुत सारे, बैठेंगे और मॉल, रिलायंस मॉल के बाहर पहले मॉल 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, तब से कोई टोल टैक्स पर बैठा है, कोई रेल का पटरी पर बैठा है, तो अभी हम दिल्ली आ गए हैं लास्ट, बोलते किले लगा दिए थे ना कि जाने नहीं देंगे, कोई अपने अपनी इंसान जनता को कैसे करता है। आप ये बताइए कि इसके बाद क्या, अभी तो 4 महीने वो कह रहे, अभी अभी कह रहे थे कि वो पुरुष प्रधान ढांचाओं की वजह से महिलाएं खुद भी एक दूसरे को कभी कभी रोक देते हैं आने में, उससे भी लड़ना पड़ता है। बताओ आप बताइए। नहीं, मैं अजय भी कई गाँव एहो जे आ, मतलब साढ़े कई एरिया एहो जे है जिथे पुरुष जां सास मां जां घर दे हालात एहो जे आ, वो घरों औरत नूं नहीं निकल दिंदी, औरत कुछ बोलना चाहे जां कुछ करना चाहे उन्हूं नहीं करन दित्ता जांदा। आप अपनी लड़की को बोलेंगी यहां आने के लिए? लड़की है नहीं, लड़की अगर होती तो बोलती उसको आने के लिए, मौका मिले सही मैं तो नहीं किसी नूं रोकूंगी। सर्विस कर दे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने, ते पहला वो तां नहीं निकले, मेरी ड्यूटी हुण फ्री हो गया, रिटायर हो गया, मैं हुण चलिए, हुण घर निकला छड़ना, मैं तुसीं नहीं छड़ना, ना छड़ो, मैं चली फिर मैं। ठीक है, तो जैसा हम देखते हैं कि हम लगातार ये बोलते हैं कि आंदोलन से क्या मिला, तो आंदोलन से ये मिला कि महिलाएं घर से बाहर निकली, आंदोलन से ये मिला कि एक कॉमन स्पेस बना है, आंदोलन से ये बना है कि कॉन्फिडेंस आया है, आंदोलन से ये मिला है कि जो पंजाब और हरियाणा लगातार अपनी महिलाओं और उसके लेके एक कॉमन स्पेस में आने से रोकता था, आज हम देख रहे हैं लगातार कि महिलाएँ घर से छुप छुप के निकल के बॉर्डर पर आई हैं और एक बड़े तब्दीली की तरफ बढ़ रही हैं, और ये निश्चित रूप से क्रांति को बड़ा पहला कदम तो है ही। धन्यवाद। ये कौम आज की नहीं है, पहले भी निकलती आई है।